कल रात तो यार हम बहुत थक चुके थे, मतलब इतनी थकान हो चुकी थी ना कि हम कब सोए और मॉर्निंग में बस सीधा उठे हैं, रात का कुछ नहीं पता है और सारे इतने बेसुध होकर सोए हैं ना जिन जिन से हमने बात की है, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी थी कहीं ना कहीं, बहुत लंबा टाइम तक हमने ट्रेवल किया, फिर रात को भी 9 बजे तक हम होटल देख रहे हैं, होटल सर्च कर रहे हैं, उसके बाद हमें फाइनली होटल मिला, हम फ्रेश हुए और बस सीधा खाना खा के लेट गए थे सबके सब। और अभी भी ना मॉर्निंग में बस मैं ही हूँ जो सबसे पहले उठी हूँ, सारे के सारे सो रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उठ के सबसे पहले आपको जो रात में व्यू नहीं दिखा पाई थी अपने होटल से बाहर का, तो क्यों ना आप लोगों को व्यू दिखाया जाए कि कैसा लग रहा है चारों तरफ से बाहर का व्यू। बहुत ही प्यारा व्यू है यार। आज का हमारा टारगेट है कि हमें संगला पहुंचना है, जो कि यहाँ से 220 किलोमीटर के डिस्टेंस से पड़ता है शिमला से, तो ऑलमोस्ट अगर सब कुछ सही रहा, ट्रैफिक नहीं मिला, नॉर्मल रहा, तो 7 से 8 घंटे के बीच में हम पहुंच जाएंगे, जिसमें से 1-2 ब्रेक भी हम बीच में ले पाएंगे। तो टारगेट तो यही है कि हम सांगला आज कवर कर ले और वहीं पर फिर हम बीच में स्टे करेंगे आज का। इसके साथ ही हमने सोचा है कि कुछ नेसेसरी मेडिसिन हम यहाँ से ही शिमला से लेते हुए चलते हैं, क्योंकि अब ऑल्टीट्यूड पे हम जैसे जैसे जाते रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि माइट भी हमारी बॉडी पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो माइट भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बेटर रहेगा कि हर टाइप की मेडिसिन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो डायमोक्स एक मेडिसिन होती है जो बेसिकली सिम्टम्स को जो प्रिवेंट करती है, जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो हम सोच रहे हैं कि डायमोक्स अपने साथ कैरी कर लेते हैं, सो देट अगर जो ऑल्टीट्यूड की वजह से जो हेडेक, वॉमिटिंग, नोसिया जो भी प्रॉब्लम है वो सब की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही कुछ अलग से भी हम मेडिसिन ले लेंगे, जैसे वॉमिटिंग, बॉडी पेन, फीवर, इन सब की मेडिसिन पहले से अपने पास रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पर पता नहीं नेटवर्क की भी कितना रेंज होगा, वैसे तो लगता है कि सांगला तक तो रेंज होगा, उससे ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते रहेंगे स्पीति की तरफ तो नेटवर्क भी बहुत कम आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा, कैश पहले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पेटीएम और UPI पता नहीं कितना चलेगा, कितना फ़ोन का नेटवर्क हमारा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो सारी चीज़ें हमें पहले से लेते हुए चलनी है। पार्किंग स्पेस और ये खड़ी है हमारी 2 चमचमाती बाइकें। अब हम हो चुके हैं तैयार अपने सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, पहले हमने सोचा था कि सैलांग तक हम अपना टारगेट रखेंगे, लेकिन एक मेंबर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, वॉमिटिंग हो चुकी है 2 से 3 बार, तो हमने सोचा आज लंबा ट्रैवल ना करके थोड़ा छोटा ट्रैवल रखते हैं, सो दैट रेस्ट करने का टाइम ज़्यादा मिल सकेगा और नेक्स्ट डे हम लंबा ट्रैवल को टारगेट कर पाएंगे। तो अभी हमने सोचा कि सराहान तक हम जाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी लगी तो माइट भी हम सैलांग तक भी जाएं, बट अभी सब कुछ डिपेंड करते हैं कि अभी हेल्थ कंडीशन कैसे रहेगी मेंबर की, अगर अच्छी रही तो हम वहां तक जाएंगे, अदरवाइज हम थोड़ा कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे। सो बी विद मी ऑन अ सेकेंड डे विद सेकेंड डेस्टिनेशन। Thank you.
यहाँ पर ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पहाड़ों में कुछ ब्लास्ट किया होगा, तो अब जो जो पत्थर नीचे आ गए हैं उसको साफ करने के लिए यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, टारगेट था हमारा सहरान जाने का, बट हमें लग रहा है कि वो यहाँ से 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, तो हो सकता है कि वहाँ तक हम ना पहुँच पाए क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें रामपुर पर स्टे करना पड़े। रामपुर यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। छोटी सी ट्रैफिक हट जाए यार, पता नहीं ट्रैफिक कब हटेगा और कब हम यहाँ से निकलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा टाइम लगने वाला है यहाँ पे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सहरान। बहुत लंबी जर्नी थी, एक बार ही तो हमें लगा कि क्या पता हम इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल ना कर सके, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, एक जगह कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से बहुत लंबे टाइम तक हमें वेट करना पड़ा। फाइनली हमने अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। एक बार तो लगा कि रामपुर में ही स्टे कर लेते, फिर भी हमने रात में ट्रेवल करना नहीं छोड़ा। हम रात में ट्रेवल करते रहे, बिल्कुल सुनसान सड़कें थी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया कुछ नहीं था भाई, सारी मार्केट बंद हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। उसके बाद भी हम ट्रेवल करते जा रहे थे। ऐसे मुझे नाइट ट्रेवल बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे अच्छा लगा। पहाड़ों पे फर्स्ट टाइम ट्रेवल था इतना लेट, तो देट वॉज नाइस। यस, बेस्ट पार्ट ये रहा कि हमने अपना होटल ही बुक करा लिया, स्नोफ्लेक्स हमने बुक करा लिया था, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हमने सुने थे। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये भी रही कि हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों इसमें इंक्लूडेड है। अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए, डिनर करने का टाइम आ चुका है, इसके बाद हम करने वाले हैं रेस्ट, क्योंकि बहुत थक चुके हैं यार। कहीं ना कहीं एक लंबी जर्नी तो रही, इसके साथ साथ बहुत भागा दौड़ी हमें करनी पड़ी, कभी मेडिसिन वाले स्टोर पर हमें जाना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मेंबर की तबीयत खराब थी, तो बहुत सारी मेडिसिन हमने अलग से भी कलेक्ट कर लिए पहले से कवर हो सके। इसके साथ ही अब हम करते हैं डिनर और उसके बाद सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपने नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।